हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है पब्लिक? क्या हो रहा है? तो फाइनली आई गया एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। आज हम लोग ले चल रहे हैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, आपका आपका जानने वाला, मतलब आप लोग जानते हैं, नाम से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, उस फैमिलियर मॉल में लेके चल रहा हूँ। और मैं आज कराता हूँ आप लोगों के साथ अपनी रमजान की शॉपिंग, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ रमजान की क्या होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या खर्चे आते हैं, कितने एक्सपेंसेस तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट क्या होता है, वो सब के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉल। चलिए। ये सब कुछ ना, ये सब कुछ जो हुआ है ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये ऑर्गेनिक जूस दिख रहा है जो 1 लीटर, इसका प्राइस क्या रेंज का है? 16.5 है ना, 16.5 में ऑर्गेनिक जूस। तो इंडिया के हो जाते हैं कम से कम 350, 350 रियाल के आसपास। ये भी ठीक है, 350 रियाल का। रूह अफ़ज़ा अपना पुराना ये मिला कितने का? 10 रियाल का ना, 8 रियाल का ऑफ़र में चल रहा था, मतलब 160 रियाल। 160 रियाल भी ठीक है। एक ये ले लेते हैं ना, मैंगो मैंगो फ्रूट एंड मिक्स, मैंगो फ्रूट एंड मिक्स अच्छा खासा। ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैंने बहुत देखा है ये ब्रांड। 9 रियाल का ऑलमोस्ट आएगा। अच्छा, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। अरबी में ऐसे कोई करता है तो मुझे लगता है कि दुआ पढ़ लेते। शुरू शुरू में आए थे ना तो यही फील हो रहा था, जैसे ही एयरपोर्ट पे कोई अरबी सुनाई पड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अच्छी के लिए दुआ ही मांग रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या ये कर लेते हैं? मैंगो जूस है, मैंगो जूस ऑलरेडी दो तो हमने ऑलरेडी रख दिए हैं, नहीं कन्फर्म। ठीक भाई, ये एक क्लास एक ग्रेड में 30 अंडे मिल रहे हैं इस ट्रे में, समझे? 30 अंडे में मिल रहे हैं कितने? 20 रियाल के, 20 दूनी 400, यानी 400 रियाल का ये एक ट्रे अंडे, 400 रियाल का। अगर हम ब्राउन में लेने जाएं सोना भाई, हैं ये कौन से तीतर के अंडे, ये बटेर के कितने 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 किसके अंडे हैं बताओ, पता है? अब छिपकली के नहीं, ये देखिए कोयल के हैं, ये बटेर है ना, बटेर कोयल बटेर के अंडे चल चला है ना, बटेर के अंडे। अब इसमें ब्राउन ब्राउन ब्राउन, अबे ब्राउन एक भी ठीक है, ब्राउन ले लेते हैं सोना में एक ट्रे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना वाइट और ब्राउन में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वाइट देखो वो 400 का पड़ रहा है, ये ऑलमोस्ट 380 का पड़ रहा है ब्राउन। अरे हाँ भाई, वो 19.95 है। हाँ बट आई थिंक डिफरेंस है खाली इसमें, उसमें 30 अंडे हैं, इसमें ख़ाल से 20 अंडे हैं बस। हाँ ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ये भी 30 30 वही है, 30x का। अच्छा, 1 रियाल का पड़ेगा। हाँ ऑलमोस्ट, क्या करना है? रेट पे भरोसे की बात नहीं है, चीज़ भरोसे क्या, एक एक ग्रेड क्वालिटी में तुम बता रहे हो भरोसा नहीं है, क्वालिटी सबकी इतनी बेहतरीन है। अरे पता नहीं कैसा टेस्ट हो। अब एक टेस्ट सारा अच्छा होता है। हाँ मोज़रेला चीज़ के बारे में क्या ख्याल? वो नहीं लेना। अच्छा ठीक, अभी अमूल बटर, अमूल बटर पे ऑफर लगा हुआ है, अमूल बटर पे ऑफर लगा हुआ है, सॉल्टेड एंड बटर विद गार्लिक एंड हर्ब्स। अरे ये ना लेना भैया, गार्लिक वाला। हाँ अलमारी ले लेते हैं, वो तो पास भी नहीं है, अमूल तो FDA टेस्ट में पास नहीं है ना। हमको नहीं मालूम, अभी तुम इधर आओ, इधर से खूब बटर, ये है बटर। अलमराई
नहीं लेता है नहीं काम करते हैं ये ले लेते हैं 24 याल वाला 25 याल में कितने देने 400 ग्राम है अबे भाई तुम इतना मत दिखाएगा ऊपर रखो ऊपर ऊपर किसके अच्छा ठीक है इधर पे रखो ठीक है ओके ओके एज पर हम उस पर आलमंड ड्रिंक नहीं है आलमंड मिल्क आलमंड मिल्क अल कबीर के पराठे कितने हैं 3 सेट है ना 13 रियाल में ये 4 से ही 12 400 ग्राम के बात तो वही है प्लेन 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 लच्छे कहाँ गए लच्छे वाले ले लिए पराठे लच्छा गायब कर दिए इन लोगों ने अचानक से हैं लच्छा पराठा गायब हो गया प्लेन पराठे ही बचे खाली पूरा फुल कर दिया क्या प्लेन पराठे मिल गया लग रहा हाँ मिल गया मतलब हर लच्छा पराठा ये 5 पीसेस हैं दो ले लेते हैं एक में 5 पीसेस हैं हाँ दो पीसेस ये कितने का पड़ रहा है पता नहीं मेरे ख्याल से लेकिन ऑलमोस्ट 5 रियाल से कम नहीं पड़ेगा 4 या 5 रियाल का समझे 4-5 रियाल का ये पड़ गया स्पिनिच हो गया और फ्रेंच फ्राइज फोकस नहीं मारो फ्रेंच फ्राइज कौन सी फ्रेंच फ्राइज लेनी है कौन सी स्पाइसी वाली ना पोटैटो या स्वीट पोटैटो ये ले लेते हैं थिन कट हाँ ऑफकोर्स फ्रेंच फ्राइज स्पाइसी है एक्स्ट्रा स्पाइसी है नो आर्टिफिशियल कलर इतने बहुत हैं या और ज़्यादा हाँ अबे बाप रे कनेक्टेड हुआ नहीं पहले रोज से कितने इतना खतरनाक देख रहे हो रोड की हालत देख रहे हो कैसी है अबे क्या है इतना सामान लेके जा पाएंगे हम नहीं जा पाएंगे आज कितने का बिल बना देखे नहीं 850 समथिंग 750 पैसे कौन चुकाएगा 750 यानी मात्र 15-16 हज़ार ना 15-16 हज़ार अगर प्लाटे शॉपिंग कर लेते ना एक महीने का राशन हो जाता 15-16 स्टेबिलिटी दिखा दो भाई थोड़ी इतनी इतना वो करके ना करो हवा की वजह से जो है वही नहीं हो पा रहा है क्यों इतना काम करो यार सैंडस्टॉर्म की वजह से ना आज कोई भी नहीं आया है रेत का तूफान रेत कौन गाड़ी तो खोलो गाड़ी खोलना पड़ेगा तुम्हारा गाड़ी ऐसा खुलता नहीं है खुल गया बहुत वो हो रही यार क्या हो रहा है यार फिर हम ऐसे ना खेलेंगे यार सारा काम हमें करना पड़ रहा घर पे भी तुम कोई काम के नहीं हो अभी तो बनवाने का है नहीं घर पे भी तुम किसी काम के नहीं हो काम नहीं करोगा
तुम्हारा टारगेट है कि तुम कम नहीं करेगा तो हमारा भी टारगेट है तुमसे कम करवा कर आएगा। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो हम तुमसे कम करवा कर आएगा। मूवी की बात कर लो, एजुकेशन की बात मत करो। नो नो नो, हमारा भी टारगेट है। अभी तुम जिस टॉपिक में अच्छा है ना, हम उस पर बात नहीं करेगा। अरे यार देखो, सारा सामान लोड हम करे दे रहे, सारा सामान निकालना तुम्हें पड़ेगा। ऊपर कौन लेके जाएगा? ऊपर तुम लेके जाना। नहीं, मिल विल बैठ के कुछ नहीं होगा। भाई साहब, जितनी ज़्यादा दिक्कत जो है सामान खरीदने में नहीं होती, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है सामान लादने में, लादने और ले जाने में। चलो, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? दिखा 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 नहीं दिखा दिख रहा दिखा। भाई साहब देख लो, ये है होता है, ये होता है सैंड स्टार्म, रेत का तूफान। इसी वजह से गर्मी हो रही है, इसकी खतरनाक गर्मी हो रही है। कुछ नजर आ रहा है आगे? कोहरे ज्यादा भयंकर होता है साला ये। बात तो सही है, बात तो सही, खतरनाक हो रही है। देख रहा हवा कितनी तेज चल रही है, देखा रहे ना? वर्कर्स वैली जो है, वर्कर्स वैली है, वर्कर्स विलेज है, विलेज नहीं दिखा हुआ। वापस करके कैमरे में दिखाएंगे क्या लिखा था विदाउट कट। क्या लिखा था? वर्कर्स विलेज, AYTB का कैंप है। हैं? AYTB का कैंप है। अच्छा। खाली तुम्हें तूफान दिखाने था कि यहाँ देखो, तो रमजान भी शुरू हो गया, आज पहला रोजा भी है। गर्मी के चक्कर में सैंडस्टॉर्म ने और हालत खराब कर दी। तो ये दूसरी बार है, कल भी आए थे, कल तो इतनी भीड़ थी, भीड़ देख के मैं चक्कर आ गया वहीं। ये लोगों ने पानी छीटे वीटे डाली मेरे मुँह पे, इतना चक्कर आया मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, रमजान में आधी नॉर्मल लोग नॉर्मल भीड़ रमजान में इतनी हो जाती है, नॉर्मल इतनी हो जाती है। अच्छा ठीक ना, हमें चक्कर आ गए थे, इतनी भीड़ कैसे हो सकती है भैया? हमें करनी थी वीडियो शूट और वीडियो शूट हुई नहीं, इसीलिए दिन में आ जा माए। आज भी भीड़ बढ़ रही थी बस। अब वो गौ आ गया बस, दुम दबा के किसी तरीके निकल के। दो ढाई बजे, ढाई बज रहा है, देखो यहाँ मौसम, सूरज नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस स्टॉर्म रेत का तूफान इतना ज़्यादा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसीलिए यहाँ के घरों का कलर रेतीला होता है, क्योंकि आए दिन तो रेत आके कवर कर देती है पूरे घरों को। अच्छा, इसीलिए यह मिट्टी कलर रहता है। रेतीला बोल तो सैंड कलर, सैंड ताकि सैंड स्टॉर्म हो सके। तो सैंड का कलर कौन सा होता है? सैंड का कलर कौन सा होता है? रेत की जैसा। नहीं, वो तो हिंदी कर दिया आपने। हाँ, अगर सैंड कलर होता है, हाँ, तो सैंड का कलर क्या होता है? रेत की जैसा। ये थोड़ी ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? दादा और चलते हैं, हो गया ना टाइम? हाँ, पहले बोल देना चाहिए तो वो अलग कट ले लेना लेते हम। अब आगे जाना पड़ेगा 8 किलोमीटर। देखो मिल गया, देखो फौरन मिल गया, तुम्हारा भरोसा कम आया। अब ये रेड रेड हो रहा है ना आसमान, हीट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। इतना नहीं हीट हो जाएगा कि रेड होने लगेगा भाई। हम सोचे हमारी आंखों को क्या नमूनिया हो गया, हमारी आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एसएस शॉप के अंदर जा रहे हैं ना? तूफान के अंदर जा रहे हैं। तूफान के अंदर क्या कर ले जा रहे हो? तो लाइट जला लिया पहले, फिर भी नहीं दिख रहा कुछ। लाइट तुम पहले ही जला रहे, लेकिन दिख ही नहीं रहा। गर्मी 40 डिग्री और हवा 130 की रफ्तार की तो है। हैं? चौड़ी है तो चलो इसी वापस चलते।
भाई वापस चलने आ रहा और निकल गया भाई। ये है ना एग्जिट, तुम तो याद नहीं दिला एग्जिट। अरे ऐसा ना करो, क्या वो ये क्या है पता, ये क्या है पेट्रोकेमिकल एरिया है, वही दिख ही नहीं रहा कुछ। ये वही पेट्रोकेमिकल रोड है, दिख ही नहीं रही वो खाली है, हल्की हल्की सी लाइट है। कहा गया मेरा गोल्डन शहर, गोल्डन सिटी में गायब हो गए। हे प्रभु हे प्रभु हे जगन्नाथम देवानंद, आप बताएंगे हम तो होता है। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, तो सोलह सा रह रहा है, कितना इतना शॉल से रह रहा है यहाँ पर। शॉल से है, हाँ शॉल से नहीं रह रहा है, शॉल शॉल क्या है क्योंकि गर्मी खत्म हो गई है तो शॉल का काम खत्म हो गया, शॉल का काम सिर्फ ठंडक में आता है। शॉल कहने का मतलब हमारा शॉल कह रहा है ना, शॉल शॉल एक शॉल दो शॉल। और कितना महीना में रहता है, कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, टाइम 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 तो हो गया। अब गाड़ियाँ देख कैसे आ रही है, खतरनाक तरीके से दिख नहीं रही गाड़ियाँ, छोटे छोटे जुगनू दिख रहे होंगे गाड़ियों के अंदर। ऐसे ही बता दिया नहीं इतना हमने स्कूल गए थे, हम पढ़े लिखे हैं उस टाइम का, मास्टर क्या पढ़े थे हम कहीं भी पढ़े थे पर इतना पता है एक एक रेटिना में जो पिक्सल्स होते हैं अगर आज से कैमरा से कंपेयर किया जाए तो एक आंख को कुदरत ने 532 मेगापिक्सल दिया है, तभी हम लोग इतने 16,000 मिलियंस कलर्स पे भी ज्यादा है आंखों में। बिल्ली के कलर कितने होते हैं बताइए? ब्लैक एंड व्हाइट देखती है बिल्ली, ब्लैक एंड व्हाइट देखती है, सिर्फ चार कलर देखती है, नहीं कलर ब्लाइंड होते हैं। अरे भाई चार कलर। अच्छा न्यूट्रल ले रहे हैं इस बार ना, क्योंकि अरे भाई बहुत खतरनाक हो गया आगे मंजर, अब हमें लग रहा है डर आगे बहुत खतरनाक है हमको, हमने देख लिया भाई देख लिया, हमको डर लगता है भाई अभी, मजा आ गया हमको देख के। अभी थोड़ा थोड़ी नहीं बूझे कि नहीं, अभी हम नहीं समझता था। ये है चेक पोस्ट एरिया समझे, यहाँ पे वैसे मना है फोटोग्राफी वगैरह, फोटोग्राफी एरिया में यहाँ मना है, इसीलिए मोबाइल नीचे करवा दिया। हाँ वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड ब्रो। दादा इधर रेत देखो कितना मजा आ रहा है, ये वो है क्या लोहे की कंपनी, लोहे की कंपनी आयरन मैन, काली 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 हवा देख कैसे झोंके हमारी गाड़ी इधर उधर हो रही है, लेन चेंज कर ले ये बता दिए। जलवा है अलग ही सब नहीं है चलता हुआ, अरे ये हालत खराब ही जावत है, उन लोगों से पूछो जो लोग मास्क लगा लगा के काम करते हैं फील्ड पे किस तरह। हाँ यार आज अगर जो ड्यूटी पे होगी वो बाहर फील्ड पे, कोई एसी बना रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई का ऊपर काम रफ्फी लटक के पेंट कर रहा होगा, वो तो थंडर स्टॉर्म में भी चीज होती है, सेट स्टॉर्म में कैसे भी चीज होगी। अरे तो उन्होंने बुलाया होगा उसको भी। अच्छा तुम्हें थंडरस्टॉर्म उससे याद हो गया होगा ना, थार से थार की वजह से तुम्हें थंडरस्टॉर्म का नाम याद होगा ना, थॉर थॉर। अच्छा थॉर थॉर थंडरस्टॉर्म था ना, उसकी वजह से तुम्हें नाम याद हो गया, वरना तुम बिजली कड़कने को थंडरस्टॉर्म इंग्लिश में कहाँ बोल पाओगे। ये तो कभी हमने सोचा ही दिमाग ही नहीं लगाया था इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं। थॉर मतलब थंडर, कौन सा थंडर का देवता, कौन सा देवता होता है स्टॉर्म के बारे में हम यार दादा घर चलते हैं अभी, ज्यादा अंदर नहीं जा रहा घर चलते यार, अब तो सीधे घर ही चलना है क्योंकि अब रखे हैं सामान और शुरू करते हैं यार वो कुछ इफ्तार इफ्तार का सीन देखते हैं ना यार, जोहर की नमाज नहीं पड़ी भाई जल्दी से पटाख भाई, जोहर की तो हो गई है वसीर की होने वाली है थोड़ा दिन भाई यार, आज का तो पहला रोजा तो बिल्कुल यादगार रोजा बना दिया यार इतना खतरनाक। चलो फिर पब्लिक यार अभी बहुत सारे काम है, घर ले जाना है, सामान खरीद लिया है, सामान लेके जाके इफ्तारी रेडी करनी है, इफ्तारी बनानी है और मतलब लॉट्स ऑफ वर्क, अभी घर भी आज आधा हिस्सा साफ करना है, आधा हिस्सा हो गया था अब आधा हिस्सा करना है, तो फिर ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और स्टोरी अच्छी लग रही है
व्लॉगिंग समझ में आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।